नमस्ते, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। नीरज कुमार कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली को अपराध आकांक्षा रैली बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस अपराधियों के हाथ में है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, पहले सुनिए, फिर और बातें बताएंगे। क्या जो कांग्रेस है वह अब बाहुबलियों के सहारे 2019 की जो नैया है उसको पार करने की जरूरत में लग गई है? कांग्रेस के द्वारा आयोजित जन आकांक्षा रैली अपराध आकांक्षा रैली बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की राजनीतिक वारिस समझने वाली पार्टी आज अनंत सिंह और पप्पू खान जैसे लोगों से आपको सहयोग लेना पड़ रहा है। आनंद मोहन और जो जेल के अंदर बंद या जेल के रास्ते पर या गंभीर मामले के आरोपी है, कांग्रेस का चरित्र का ही बदलाव नहीं हुआ है। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से अनुरोध करेंगे कि राहुल गांधी जी बिहार के अंदर सेंट्रल जेल जितने हैं उसके सेल के अंदर जो कैदी बैठा हुआ है उसका समर्थन पत्र लेकर के पटना के गांधी मैदान में रैली आयोजित करिए, वह और भी जानदार और शानदार होगा। तो क्या इसे जीत मिलेगी 2019? बहुत मिलना है। बिहार में तो कैदी राज बनाम कानून के राज की लड़ाई है। कैदी राज में है राजवल्लभ यादव, लालू यादव, शहाबुद्दीन अब नए अवतार के रूप में आए हैं, पप्पू खान और साथ में है अनंत सिंह जैसे लोग, तो कहाँ जनता नसीब होने वाली है। इसलिए ये कैदी राज के पक्षधर है और अपराधियों और गुंडों और लंपटों को राजनीति में लंपटीकरण का जो पर्याय बनने का जो सपना है राहुल गांधी जी, वह बिहार की जनता के सपने को चकनाचूर कर दे। तो पप्पू खान और अनंत सिंह के रोड शो के बाद नीरज कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस को इन्हीं पे भरोसा है, मदन मोहन झा, अखिलेश प्रसाद सिंह पर, प्रेमचंद मिश्रा पर कम है। बहरहाल ये तो नीरज कुमार का कहना है, वो जदयू के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। मगर कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है 3 फरवरी के इस रैली को सफल बनाने में। अब आगे देखना है कि कितना सफल कांग्रेस बना पाती है, क्या महागठबंधन एक मंच पर दिखता है। हालांकि भीड़ जुटाने में तो अभी कांग्रेस के नेता ही लगते हैं, मगर आखिरी तक कुछ बदलाव हो सकता है कि पूरा महागठबंधन दम झोंके और उस रैली को में खूब भीड़ जुटाए, क्योंकि 3 मार्च को नरेंद्र मोदी की रैली है। एनडीए कह रहा है कि गांधी मैदान को भर देंगे और गांधी मैदान बहुत बड़ा। बहरहाल आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, क्योंकि हम आप तक बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए liveseries.in हमारी वेबसाइट पर भी जाएं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें, Facebook पेज को लाइक करें। बने रहे लाइव सीरीज के साथ, आपका धन्यवाद।